दिल्ली रोड स्थित कुंदन पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल देने की शिकायत आपूर्ति विभाग से एक युवक द्वारा की गई, जिसने शिकायत की थी कि पेट्रोल पंप पर कई अनियमितता हैं, साथ ही ग्राहकों को कम पेट्रोल नाप कर दिया जा रहा है। इस शिकायत पर विभाग तत्काल ही हरकत में आया और डीसी ओम प्रकाश समेत एआरओ राहुल दीप गुप्ता, इंस्पेक्टर संजीव के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर रखे माप की चेकिंग के साथ साथ अन्य उपकरणों की भी जांच की। इस दौरान पेट्रोल डलवाने के लिए वहां पहुंचे अन्य वाहन चालकों से भी जानकारी हासिल की गई। एआरओ राहुल दीप गुप्ता ने बताया कि पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई है, जो शिकायत की गई थी वह गलत थी। चेकिंग टीम द्वारा पेट्रोल पंप की सघन चेकिंग की गई, तो वहीं पेट्रोल पंप मालिक रूपक कुमार सिंह ने बताया कि एक युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आया था, जो कि बोतल में पेट्रोल लेना चाहता था, जिसे पंप कर्मियों ने देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर वह भला बुरा बोलने लगा और एक झूठी शिकायत आपूर्ति विभाग से कर दी थी, जबकि पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रकार की घटतौली नहीं की जाती, सभी ग्राहकों को मानकों के अनुसार ही पेट्रोल दिया जाता है। आज यहाँ शिकायत मिली थी कि कुंदन पेट्रोल पंप से जो तेल की मात्रा है वो कम दी जा रही है, जिसकी चेकिंग के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ पे, और चेकिंग की कार्रवाई अभी चल रही है। इसमें लगभग इनके सारे नोजल चेक हो चुके हैं और चार नोजल ऐसे हैं जो इन्होंने ख़राब बताया है, जिसमें कि इन्होंने कंप्लेन भी की हुई है और फिटर भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि उसको ठीक करने के लिए आए थे। सर, चेकिंग के दौरान क्या पाया गया? चेकिंग के दौरान मेजर्स में जो है लगभग 5 से 10 ml के अंतर्गत जो है वो पाया गया है 5 लीटर पे, जो कि हमारे जैसा कि एसी साहब बता रहे हैं कि वो अनुमान्य सीमा के अंतर्गत है, तो ये स्थिति मिली है। अभी तक कोई वैसी बात नहीं मिली है।